तो गाइस नेटफ्लिक्स का वन पीस माइट बी द बेस्ट लाइव एक्शन बाय दिस प्लेटफॉर्म सो फार, बट डिड यू नो कि इस सीरीज में कई चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि मैंने इसकी रिव्यू वीडियो में भी आपको बताया, और आज हम उन्हीं चेंजेस पर एक नजर डालने वाले हैं। तो हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका वन पीस लाइव एक्शन की टॉप 10 चेंजेस की वीडियो में। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, यह है गार्प का अर्ली इंट्रोडक्शन, जो इस सीरीज का सबसे बड़ा चेंज भी रहा, इसलिए यह नंबर 1 पर भी है। एनीवेज इस चेंज की बात कर ली जाए तो गार्प जो था वो एनिमे या मांगा में रॉजर की एग्जीक्यूशन के वक्त मौजूद नहीं था, बट यहाँ इस सीरीज में उसे इसी वक्त से इस सीरीज के साथ जोड़ दिया गया। वहीं ओरिजिनली गार्प का इंटर तब होता है जब वो एक्स हैंड मॉर्गन को एस्कॉर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट अप ये चेंज है लुफी के कैरेक्टर को लेकर। नाउ जैसा कि लुफी जब अपने पायरेट बनने का सफर शुरू करता है, तब मांगा हो या एनिमे, वह उसकी सबसे पहली मुलाकात उसी सी किंग से होती है जिसने सेंक्स की आर्म को रिप ऑफ किया था, जिसे लुफी एक ही पंच में ढेर कर देता है। लेकिन लाइव एक्शन में ये सीन इंक्लूड ही नहीं किया गया। वेरेस गमगम डेविल फ्रूट को भी लुफी एक्सीडेंटली सेंक्स के साथ मौजूद पार्टीज बार में खाता है, बट लाइव एक्शन में ये फ्रूट उसे एक बॉक्स में मिला जिसे वो अकेले में खा लेता है। अब नेक्स्ट ये चेंज है जोरो को लेकर, जहाँ आप सभी ने ये तो देखा ही है कि ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में जोरो का इंट्रोडक्शन कैप्टन मॉर्गन के बेस में होता है, जब उसे टाइप करके रखा जाता है, एंड वहीं पर लुफी जो है उस जोरो से पहली बार मिलता है, एंड देन वो उसे छुड़ाकर अपने साथ शामिल करता है। बट इस सीरीज में जोरो को सिक्सेस आइलैंड पर दिखाया गया, जहां वो मिस्टर 7 को कन्फ्रंट करता है, जो वैसे तो मांगा और एनिमे में भी हो चुका है, बट उसे कभी दिखाया नहीं गया। मींस कि इस चीज का सिर्फ जिक्र हुआ था एरबा स्टार्क में, लेकिन यहाँ इसे विजुअली हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट एक और बड़ा चेंज जो इस सीरीज में हुआ वो था बगी के ऑरेंज टाउन एपिसोड को लेकर, जहाँ सर्कस के अंदर होने वाली पूरी की पूरी बैटल सीक्वेंस भी अलग ही थी। साथ ही मांगा या एनिमे में हमें किसी की भी किडनैपिंग नहीं देखने को मिली, बट यह इसे दिखाकर हमें यह बताया गया कि बगी का कैरेक्टर ओवरऑल इस सीरीज का कितना स्कैरी और स्ट्रॉन्ग किरदार है, जिससे स्ट्रॉ हैट्स का जीतना एक पल को देखने पर मुश्किल भी लग रहा था। ऑल्सो मेयर बॉडले एंड चोचुआ भी इस स्टोरी के इम्पोर्टेंट पार्ट थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने टाउन की रक्षा की थी। लेकिन लाइव एक्शन में इन सब को स्क्रैप करते हुए मात्र हमें उनका सिर्फ कैमियो देखने को मिला। नेक्स्ट अगला है सिर्फ विलेज का आर्क, जहाँ हमें उसोप की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें लाइव एक्शन की तरह मांगा हुई एनिमे उसे एक डरपोक नहीं दिखाया गया था, बल्कि यह वो अपने विलेज वालों के लिए एक कावर्डली हीरो के रूप में प्रेजेंट हुआ। सेम गोज विद काया, उसे भी सीरीज में कलहाडोर के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया। साथ ही कुरो और ब्लैक कैट पायरेट्स की लड़ाई भी अलग सेटिंग में हुई थी, जहां ब्लैक कैट से जांगो को तो यहां पूरी तरह से भुला दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैरी को मांगा यह एनिमे में कभी भी मारा नहीं गया था, जिसने स्ट्रॉ हैट्स को सबसे यादगार उनकी पहली सिप गोइंग मैरी गिफ्ट की थी। नेक्स्ट अगला चेंज है आर्लोंग और उसके साथियों का इस सीरीज में बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर देना, जो लुफी से बराती में भिड़ता है, जिसका मतलब ये फेस ऑफ कभी मांगा में हुआ ही नहीं, जिस पूरी चीज ने इस सीरीज में आर्लोंग आर्क को सेटअप करने में एक अच्छी भूमिका निभाई। जिसके बाद हमारा अगला चेंज भी समवॉट इसी से रिलेटेड है, जहां एक्चुअली सोर्स मटेरियल में लुफी बराती में डॉन क्रैग पायरेट से भिड़ता है, लेकिन सीरीज में उनका सामना होता ही नहीं, क्योंकि हॉकाई उन सभी को बराती आने ही नहीं देता। ऑल्सो हॉकाई का इंट्रोडक्शन भी असल में सीरीज जैसा नहीं था, जहां हमें ये देखने मिला कि उसे गार्प का कॉल आता है लुफी को हंट डाउन करने के लिए, जो सब कुछ इस सीरीज में एक्स्ट्रा एडिशन थी, जो फैंस को काफी अच्छी भी लगी। इसके बाद का अगला चेंज है अगेन आर्लोंग पार्क के आग से, जहां लाइव एक्शन सीरीज में इसे दिखाते हुए एक बड़ा ब्लंडर कर दिया गया। नाउ बात ये थी कि ओरिजिनली मांगा और एनिमे में नामी के सेक्रीफाइस के बारे में उसके होम टाउन वाले एंड उसके सिस्टर नोजी को सब जानते थे, इसीलिए उसने अपने सिस्टर का साथ देने के लिए अपने आर्म पर टैटू भी बनवाया, बट लाइव एक्शन में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सब उसे गद्दार मानते थे, और जब तक स्ट्रॉ हैट्स वाले उनके आइलैंड पर नहीं आए तब तक उन्हें नामी की सच्चाई पता ही नहीं थी, जो चेंज टू बी ऑनेस्ट वन पीस फैंस को त्रास नहीं आया। मूविंग अहेड ये चीज है इस सीरीज के एंड को लेकर, जहां इस सीरीज को वन पीस के वन ऑफ द बेस्ट आर्क लॉकडाउन को दिखाए बिना ही समाप्त कर दिया गया, जिसे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अगले सीजन में एक्सप्लोर करेंगे, बट यहां इन्होंने इस आर्क से एक आइकॉनिक सीन जरूर उठाया, वो बैरल वाला, जो कि इस लैपटॉप किए गए आर्क के एंड में हुआ था। खैर मेरे मायने में इस सीरीज को लॉकडाउन आर्क को मिलाकर 10 एपिसोड्स का होना चाहिए था, जिससे कि सीरीज का आगाज और अंत एक ही जगह से होता, जिसे देख ये फर्स्ट सीजन एक प्रॉपर रैप अप माना जाता। एंड नाउ कम्स अवर लास्ट चेंज,
जिसे टेक्निकली मैं कोई चेंज तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ये एक नई एडिशन जरूर थी जहां सीरीज में हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिली। आई नो वियर्ड लग रहा है, बट मेरे कहने का सेंस ये है कि मांगा या एनिमे में हमें एज सच इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखने को मिलती थी जैसे कि इस सीरीज में देखने को मिली, जहां काया का मेंशन हो या फिर पार्टीज बार सब जगह नियॉन लाइट्स का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ हम इस सीरीज में मिनी स्नेल बोट्स भी देखने को मिले जो कि मियोहॉक, नामी एंड बाकियों द्वारा यूज भी किए गए, जो कहीं ना कहीं मॉडर्न डे एयरपोर्ट से सिमिलर थे, जो कि देखने में काफी कूल भी लगे और फैंस को अपने आप में बहुत पसंद भी आए। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वेरी वीडियो। जिस पर लगी मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और वन पीस फैंस के साथ शेयर जरूर करें। एंड चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें।